नमस्ते इंडिया। तो अगर आपका प्लॉट एरिया 1225 स्क्वायर फीट के इर्द गिर्द है तो आज ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1225 प्लॉट एरिया का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लानिंग के बारे में, जिसमें मैं खुद अपना प्लान डाली हूँ और उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से 1225 स्क्वायर के इर्द गिर्द अगर आपका प्लॉट है तो कैसे आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं अपना प्लॉट को और पार्किंग के साथ। तो ग्राउंड फ्लोर में होने वाला है हमारा पूरा पार्किंग एरिया, सिर्फ स्टेयर केस रहेगा और इन फ्यूचर आप एक रूम बना सकते हैं गार्ड वगैरह, या फिर एक रूम बना सकते हैं, ठीक है, स्टोर के लिए, स्टोरेज के लिए। और ऊपर फ्लोर में हमारा रहेगा 3 रूम, हॉल, 2 बाथरूम, किचन और बड़ा स्पेसियस आपको नक्शा मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से 1225 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया में 1000 स्क्वायर फीट को हम लोग बिल्टअप एरिया में यूज किए हैं और किस तरीके से बेस्ट प्लान, वो भी एज पर वास्तु शास्त्र लेकर क्या है। तो चलिए इस प्लान को हम लोग समझते हैं। तो गाइज, ये है हमारा प्लॉट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो टोटल प्लॉट एरिया एरिया जो हमारा निकल करके आया वो 1225.3 स्क्वायर फीट है, जिसमें हमारा ब्रिकवर्क 9-9 इंची का चारों साइड से किया हुआ है और ये प्लॉट चारों तरफ से टैपर है। इस साइड हमारा 30 फीट 8 इंच, इस साइड 34 फीट 2 इंच, 29 फीट 4 इंच, 41 फीट 3 इंच, चारों से टैपर है। तो किधर कितना भागा हुआ ये जानने के लिए हम लोगों ने डायगोनल मेजरमेंट भी लिया है साइड पे ये दोनों, तो इसी अकॉर्डिंग इसको ऑटोकैड पे बिठाया गया है। तब जा करके पता चला है कि फ्रंट में टैपर है, इस साइड भी टैपर है। तो इस तरीके से ये हमारा 1225.3 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है। तो इसमें हम लोग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर देखने वाले हैं कि 1225 में किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करके 3 BHK निकाले हैं। हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान जिसमें बाउंड्री वॉल को हटा के, सीढ़ी को हटा के, मतलब हमारे ये जो स्पेस बचेगा ओपन हॉल और कार पार्किंग के लिए, वो स्पेस हमारा 1124.4 स्क्वायर फीट बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट से जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ सीढ़ी चढ़ के आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं और ये पूरा स्पेस आपका कार पार्किंग होने वाला है। कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, ये ओपन हॉल है, फंक्शन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं, या तो पार्किंग में इसको आप पूरे स्पेस को यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको मन किया तो एक रूम वगैरह और एक बाथरूम बना के इसको एज ए गार्ड रूम भी इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर में देखते हैं कि सीढ़ी से चढ़ के उतरेंगे तो फिर क्या आता है हमारा। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान जो कि 1002.4 स्क्वायर फीट यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में ये हमारा बना हुआ है 3 BHK। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सीढ़ी से जैसे ही हम चढ़ के यहाँ पे उतरते हैं, ठीक है, यहाँ से उतरने के बाद हमें मिल जाता है ड्राइंग कम गेस्ट रूम 12x10 का, ठीक है, काफी बड़े साइज का हमको ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसमें आपका 2 वेंटिलेशन है, एल शेप का यहाँ पे सोफा रहेगा और ये टेबल रहेगा और जस्ट सामने में टीवी रहेगा। तो यहाँ पे एक गेट है घुसने के लिए और एक गेट यहाँ है, तो आदमी अगर यहाँ से क्रॉस भी करेगा तो आपको टीवी देखने में कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्राइंग रूम कम गेस्ट रूम। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, अंदर हम जैसे ही जाते हैं हमको मिल जाता है एक डाइनिंग हॉल जो कि 18x9x11x10 का है। यहाँ पे आपका आराम से डाइनिंग टेबल अट जाने के बाद इतना क्लियर स्पेस बच जाएगा ताकि आप रूम वगैरह में जा सकते हैं। कॉर्नर पे हमको मिल जाता है जस्ट डाइनिंग के बगल में 16 बड़ा सा किचन, वेंटिलेशन भी यहाँ पे है, जस्ट वेंटिलेशन के सामने आपका स्टोव लगेगा, यहाँ पे आपका बीच में सिंक रहेगा, यहाँ फ्रिज रहेगा ताकि ट्रायंगुलेशन यहाँ पे एक्ट करे और काम करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद जस्ट किचन के सामने हमारा डाइनिंग हॉल के बगल में एक बेडरूम है, पहला बेडरूम इस रूम इस घर का 10x12 फीट का, इसमें भी एक वेंटिलेशन दिया हुआ है और जस्ट बेड के सामने यहाँ टीवी यूनिट बनने वाला है और यहाँ पे आपका दरवाजा के बगल में वार्डरोब बनेगा कपड़ा वपड़ा रखने के लिए, इसी में आपका एक सेक्शन में ड्रेसिंग एरिया भी रहेगा। तो फिर इसके बाद वाला सेकेंड वाले रूम में हम लोग जाते हैं तो हमको मिल जाता है एक मास्टर बेडरूम 10x14 का, क्योंकि जगह कम था इस वजह से ये 10x14, अदरवाइज आप 12x14 भी रख सकते हैं अगर आपका स्पेस ज्यादा है तो। तो इसमें हमको मिल जाता है 2 वेंटिलेशन, ठीक है। ये जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं ये आउटर लाइन है, मतलब यहाँ तक हम लोग बिल्डिंग को खींच सकते हैं, बट ये बाउंड्री का लाइन है तो हम लोग ऐसे रखे हैं कि वेंटिलेशन भी हम लोग को अच्छे से मिल जाए। तो ये रूम में हम लोग को 2 वेंटिलेशन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद इस मास्टर बेडरूम से यहाँ अटैच है हमारा एक बाथरूम जिसका साइज है 4x6 का, ये बाथरूम है अटैच बाथरूम। उसके बाद हमको मिल जाता है एक कॉमन बाथरूम, ये भी 4.5x6.3 का है, ये आपका डाइनिंग हॉल से इधर कॉर्नर में है और जस्ट यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर आप हाथ वगैरह धो सकते हैं, अदरवाइज आप एक बड़ा वॉश बेसिन एरिया यहाँ पे भी बना सकते हैं डाइनिंग के जस्ट बगल में इंटीरियर वगैरह कराने के लिए, तो वो भी काफी अच्छा लगेगा।
और अगर इस नक्शा की मैं स्पेशल बात करूं तो इस नक्शा का स्पेशल चीज ये है कि आपको इसमें अगर यहाँ पे गेस्ट बैठा हुआ है तो गेस्ट को पता नहीं चलेगा कि कौन से रूम से कौन निकल के चाय बना रहा है, आ रहा है, दे रहा है, गेस्ट को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये हमारा पूरा प्राइवेट जोन है। और अगर गेस्ट के रहते भर में आपको अंदर और बाहर आना है घर के, तो आपका डाइनिंग हॉल से भी एक गेट है, यहाँ से आप बाहर निकल के सीढ़ी उतर के नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाके मेन गेट से बाहर रोड पे जा सकते हो। बट अगर आपका गेस्ट बैठा हुआ है, किसी को अंदर लाना है, तो भी आप डायरेक्ट यहाँ डाइनिंग का दरवाजा खोल के कोई फैमिली मेंबर डायरेक्ट अंदर आ सकता है, गेस्ट को पता नहीं चलेगा। तो इस वाले नक्शा में प्राइवेसी भी मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं क्या वास्तु इसमें इम्प्लीमेंटेड है। तो जी हाँ, इसमें वास्तु भी इम्प्लीमेंटेड है। कैसे? ये प्लॉट एरिया हमारा वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर में अग्नि कोण है, तो यहाँ पे हमारा है किचन, और उसके बाद हम लोग को यहाँ प्रॉपर नॉर्थ में हमको मिल जाता है बाथरूम, और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर में हमको यहाँ पे ये पूजा रूम का प्लेस है, तो इसी मास्टर रूम में हमारा पूजा का कुछ यहाँ पे कवर्ड वगैरह बन जाएगा। तो और बोरिंग का जो पोजिशन है ग्राउंड फ्लोर पे, हमारा यहाँ पर बोरिंग हुआ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो ये पूरा प्लान एज पर वास्तुशास्त्र बना हुआ है, कम जगह है बट इसी को ऑर्गेनाइज करके बनाया गया है। तो आपको एक मिल जाता है हॉल, इसको अगर गेस्ट रूम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 रूम, 3 रूम 2 बाथरूम, 1 हॉल, स्टेयर केस और किचन, और सबसे स्पेशल सब बात है जो टैपर जमीन था ना हम लोग का, तो हम लोग उसको टैपर नक्शा नहीं बना करके, नक्शा हमारा जो घर है वो पूरा सीधा बनाया हुआ है, वो कहीं से भी टैपर नहीं है। बट जो बालकनी हमारा है उसको हम लोग टैपर निकाल दिए हैं, इसका एलिवेशन को कुछ टैपर बीट लाइट वगैरह देके, प्रोफाइल लाइट से देके कुछ डिजाइन बनाया जाएगा जो काफी अच्छा लगेगा। तो इसका 3D भी मैं आपसे शेयर करूंगी, ये रनिंग साइट है हमारा, इस वजह से अभी 3D बना नहीं है, अभी मतलब इस पे काम चल रहा है, लेआउट वगैरह हुआ है, तो इसका 3D भी बना करके मैं आपका फोटो जो है वो अपने ID में डाल दूंगी। तो ये बालकनी का हमारा इस साइड से विड्थ है 3 फीट 9 इंच, और ये कमता गया है, सीढ़ी पे सट गया है, तो ये अलग टाइप का कर्व टाइप का बालकनी दिखने वाला है फ्रंट से, प्रोफाइल लाइट का बीट वगैरह रहेगा, काफी अच्छा लगेगा। तो आप बताइए कि 1225 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया में इस तरीके का 1000 स्क्वायर फीट हम लोग यूज करके जो 3 BHK प्लान बनाया है, ये आपको कैसा लगा? तो क्या इस टाइप का प्लान आप ही अपने घर के लिए चाहते हैं? तो मेरे जीमेल पे riyavarmacivilengineer@gmail.com में मेल करिए, मैं आपके लिए भी प्लान बना दूंगी, लेकिन वो चार्जेबल होगा। गाइस आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग स्पेस को मैनेज किए हैं विथ बेस्ट प्लान। तो आपको भी अगर डाउट है इस चीज से रिलेटेड कि आपके प्लॉट एरिया में कितना छोड़ना है, कितने में घर बनाना है और लेआउट कैसे अच्छा आएगा, तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं, या तो आप किसी से भी करवाएं, बट बेस्ट नक्शा पे ही आप काम करें। तो अगर आप मेरे से करवाना चाहते हैं तो मेरे मेल पे आप अपना मैसेज ड्रॉप करें, मैं वहां से चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, बाय बाय।